यूपी में बीजेपी के बड़े नेता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आखिर पीलीभीत में बीजेपी विधायक के पिता और बीजेपी के पूर्व एमएलए रामशरण वर्मा ने क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला, देखिए। ये तस्वीरें पीलीभीत की हैं। मंच पर बीजेपी विधायक विवेक वर्मा के पिता रामशरण वर्मा मौजूद हैं। सामने पीलीभीत के सिटी मैजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर हैं। उनके ठीक बगल में कुर्सी पर बीसलपुर के बीजेपी विधायक विवेक वर्मा बैठे हुए हैं। यहां पर योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के पिता धरने पर बैठे हैं, मतलब अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता ने ही मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया कि यूपी के सबसे बेकार मुख्यमंत्री की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ नंबर एक पर हैं। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री थे सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नाकाम, इतना पैसा चल रहा, अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था, कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ कि हुआ किसी से, मैं सबको कह देता हूँ। पूर्व मंत्री रामशरण वर्मा ने खुल्लम खुल्ला कहा योगी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है, योगी सरकार से अच्छा तो मायावती का राज था। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ योगी की जितने भी मुख्यमंत्री थे सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नाकाम, इतना पैसा चल रहा, अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था, कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ कि हुआ किसी से, मैं सबको कह देता हूँ। पहले मुख्यमंत्री योगी के नाम का सर्टिफिकेट जारी किया, फिर अपनी मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आप देख सकते हैं कि सिटी मैजिस्ट्रेट के साथ साथ नेताजी के पुत्र और बीजेपी के मौजूदा विधायक विवेक वर्मा मौजूद थे। कि नगरपालिका क्षेत्र में जो काफी भ्रष्टाचार है यहाँ पर है, इसकी जाँच की जाए यहाँ पे, और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जो इसकी जाँच कर सके। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 731 गाँव में है वहाँ पे जो निर्माण हुआ है उनके द्वारा कुछ दुकानें गिराई गई हैं, उसके बारे में जांच के लिए उनके द्वारा कहा गया है कि इनकी भी जांच की जाए। बीजेपी नेता रामशरण वर्मा ने योगी की निंदा की तो मायावती की जमकर तारीफ की। अब रामशरण वर्मा के बयान को हथियार बनाकर विपक्ष योगी सरकार को निशाना बना रहा है। रामशरण वर्मा जी, बेशक समाजवादियों से हमारी विचारधाराओं का टकराव रहा है, लेकिन वो हमेशा साफ सुथरी बात कहने के लिए जाने जाते रहे। आज जब पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में त्रस्त है, किसान परेशान है और छुट्टा जानवरों से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो रामशरण वर्मा जी ने जो बात बोली है वो उनकी अकेले की आवाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, वो अपने दिन का इंतजार कर रहा है कि कब वो अपनी बात को कह सके। दरअसल रामशरण वर्मा अपनी सरकार में रिश्वतखोरी बंद करवाने के खिलाफ धरने पर बैठे थे। कई घंटे बाद जिला प्रशासन से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म कर दिया, लेकिन बीजेपी के मौजूदा विधायक के पिता का योगी पर दिया बयान सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गया। सौरभ पांडे, पीलीभीत आज तक।